नमस्कार, एमएचएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। केंद्र और कई राज्यों की सत्ता एक के बाद एक हाथ से निकलने के बाद कांग्रेस को जिस राज्य से सबसे ज्यादा उम्मीद है वो राज्य है पंजाब। और पंजाब में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सलार को सौंपी है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा और पंजाब के प्रभारी श्री शकील अहमद जी। शकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस पंजाब में एक प्रयोग कर रही है, पहली बार ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपने एक चुनाव रणनीतिकार को हायर किया है, क्या वजह इसकी लगती है? इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, तमाम अनुभवी नेता हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई आपको चुनावी रणनीतिकार की? देखिए, ज़माना बदला है। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू की थी तो बैलगाड़ी पर, साइकिल पर, जीप पे कैंपेन हुआ करता था। आज सोशल मीडिया पे कैंपेन हो रहा है। हम लोगों के बचपन में टीवी और कंप्यूटर नहीं था, आज टीवी और कंप्यूटर से इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रशांत किशोर जी की भूमिका एक सोशल पॉलिटिकल और या इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट की हैसियत से है, जो कोर इश्यूज हैं उन पर क्या गवर्नमेंट का रिस्पांस होगा, ये हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए हम पॉलिटिकल लोग करेंगे। उनका जो है वो मोदी जी के साथ भी थे, वो नीतीश कुमार जी के भी साथ थे, वो प्रोफेशनल स्ट्रेटजिस्ट हैं। और उन्होंने सिर्फ ये करने की बात की है कि हम किन मुद्दों को हाईलाइट करें, हमारे क्या क्या बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनको हम डिलीवर कर सकते हैं, उनको हम पंजाब के लोगों से कहें। बहुत सी बात मैनिफेस्टो में ऐसी लोग डाल देते हैं, जैसे मोदी जी ने डाल ली। आज जो पूरे देश में मोदी जी की थू हो रही है एक तरह से, वो इसलिए कि जो उन्होंने कमिट किया था वो मैनिफेस्टो में अपने, उसको किसी को पूरा नहीं कर पाए। केजरीवाल साहब की हसालत हो रही है, इसलिए दिल्ली के लोग नाराज़ हैं कि केजरीवाल साहब ने चुनाव में जो वादे किए थे कि बिल्कुल जन्नत में सीढ़ी लगा देंगे, वो पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से नाराज़गी है। तो है कि मैनिफेस्टो में हम क्या डालें जो लोगों को लगे कि अचीवेबल है, हम डिलीवर कर सकते हैं। ऐसी बात हम नहीं मैनिफेस्टो में डाल दें कि जिससे लोग हंसने लगे कि नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये कांग्रेस जैसी पार्टी भी, इतनी पुरानी पार्टी भी इस तरह की बातें करती है। तो स्ट्रेटेजी तय करने के लिए हम लोगों ने बहुत साफ कहा है कि दो चीज़ में कि क्या स्लोगन होना चाहिए, वो उनका काम है, वो दिन भर रिसर्च करते हैं कि किस तरह के स्लोगन लोगों को अट्रैक्टिव लगते हैं, बिहार में कौन से स्लोगन थे और पंजाब के लोगों को कौन, साइकी अलग अलग है, माहौल अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है। तो इस तरह की बातों में उनसे मदद लेने की बात है। जहाँ तक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की बात है, वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा। उनका काम स्ट्रेटजी सजेस्ट करना है। जो पीसीसी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो फेस हैं हमारे कैंपेन के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको वो सजेस्ट करेंगे। दैट्स यही बात है और कोई उसमें नहीं बात। पंजाब की बात करें, लगातार प्रशांत जी काम कर रहे हैं, अमरिंदर जी के लिए कई योजनाएं भी बनाए हैं। अब तक की बात करें तो प्रशांत जी की रणनीतियों से आपको पंजाब में अब तक क्या लाभ मिला है? नहीं, देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ इलेक्शन में वोट लेना नहीं है। और एक दिन में हम जाके कहें हम पॉलिटिकल पार्टी, हमको वोट दे दो, तो हमको नहीं लगता है कि उससे बहुत ये है। एक पॉलिटिकल पार्टी, वो भी कांग्रेस जैसी 130 साल पुरानी पार्टी है हमारी, हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट में हैं अगर, तो हम ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारे इलाके में जो रहने वाले हैं, अगर ज़िले के हम लीडर हैं, अगर हम स्टेट के लीडर हैं, अगर हम देश के लीडर हैं, तो उस इलाके के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऊपर उठ सके, जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठ सके, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल मिल जाएं, शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं, सेहत के लिए अच्छी दुकानें, अच्छे अस्पताल मिल जाएं, अच्छी सड़कें बन जाएं, खेतों को पानी मिल जाए, अनएम्प्लॉयड को नौकरी की, रोज़गार का अवसर मिले, जो हमारे छोटे उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं, शहरों में रहते हैं, उनको कुछ सुविधा मिल जाए, उनका बिजनेस ठीक ठाक से, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के सिवा कोई विकास नहीं। ये काम है अगर आप सत्ता में हैं। और अगर आप सत्ता में नहीं हैं तभी आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। तभी आपकी जिम्मेदारी है कि जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर गलत किस्म का काम कर रहा है, अगर वो किसी सेक्शन को निगलेक्ट कर रहा है या सोसाइटी एज ए होल को निगलेक्ट कर रहा है, तो आप मीडिया के माध्यम से, आपका साथ लेके,
प्रिंट मीडिया का साथ लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ लेके, नया आप सोशल मीडिया आया है उसका साथ लेके, उनके सामने प्रोटेस्ट करें और उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित करें, ड्रॉ करें कि वो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बाध्य हों, जिससे लोगों को लगे कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हमसे ये एमपी एमएलए मिनिस्टर बनने के लिए नहीं है, ये हमारे दुख सुख में भी हमारे साथ खड़े हैं। और गवर्नमेंट के लैब्स को, एक हिंदी का ये है कि निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो जो अपोजिशन होता है वो दुश्मन नहीं होता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है कि आपको मौका देता है कि आप सुधरने का, आप नहीं भी सुधरेंगे तो जनता आपसे हिसाब किताब करेगी। शकील जी, आप पंजाब के प्रभारी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो वो कहीं ना कहीं प्रधान है सूबे के, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जब प्रशांत जी कुछ तय कर लेते हैं तो उनके किसी भी जो वो तय करते हैं उस पर कोई बाद में सवाल नहीं खड़ा करता। नहीं, दो बातें बहुत साफ है, सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का काम है हमारे डिस्ट्रिक्ट का कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन हमारा पीसीसी का प्रेसिडेंट होगा, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने फैसला लिया। कौन हमारा जनरल सेक्रेटरी होगा, उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग रहेंगे, इसका फैसला हम पीसीसी प्रेसिडेंट से मिलके और जो हमारी पंजाब की सीनियर लीडरशिप है उससे बात करके लेंगे। टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये हम पूछना, पुराना रिकॉर्ड देखेंगे कि किन्होंने कंटेस्ट किया, कितने वोट से कौन जीता, कितने वोट से कौन हारा। बहुत जो मार्जिनल लोग हैं, चाहे वो जीते हों चाहे हारे हों, उनको हम रिव्यू करेंगे। उसके अलावा जो हमारा फीडबैक है, तो टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में उनका कोई रोल नहीं है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका उनका कोई रोल नहीं है। उनका रोल है सजेस्टिव, और जाहिर है कि अगर वो कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं और हमने उनको रखा है उस काम के लिए, तो उनके सजेशन को महत्व देना, क्यों क्यों रखा। अगर किसी के सजेशन को महत्व नहीं देना है तो उसको एडवाइज़र क्यों रखा है। चलिए, प्रशांत जी की बात कर रहे हैं तो यूपी की बात भी कर लेते हैं। एक बात प्रशांत जी ने तय की है यूपी के लिए कि वो चाहते हैं कि या तो राहुल गांधी या तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं यूपी में पार्टी के फेस बने। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पूरे जो उनके फैसले हैं उससे आपकी राय क्या है? देखिए, मुझको यूपी की बहुत जानकारी नहीं है, मैंने भी आपकी तरह मीडिया में पढ़ा है। प्रशांत जी से कल भी हम काफ़ी देर हम लोग साथ बैठे थे, लेकिन इस मुद्दे पर बात नहीं हुई, पंजाब ही फोकस रहा हम लोगों की बातचीत का। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में बहुत स्पष्ट है, राहुल जी को हम लोग चाहते हैं, सारा हिंदुस्तान और सारा कांग्रेस के सारे लोग हम चाहते हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और यूपी के कोई स्थानीय लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होते हैं, वैसे आम तौर पे एक आग दो एक्सेप्शन को छोड़ के हम लोग चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कहीं अनाउंस भी नहीं करते हैं। हमको नहीं लगता है कि राहुल जी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, मुझको ये नहीं कह सकता हूँ मैं, इसलिए कि ये यूपी के लोग जो डील करते हैं, मिस्त्री जी जो हमारे मधुसूदन मिस्त्री जी वहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वो उन्होंने कुछ बात बहुत जिस तरह की बात हमने की है उसी तरह की बात उन्होंने भी कही है। विशेष हमको जानकारी ये नहीं है कि क्योंकि यूपी में नहीं देखा। शकील जी, मैंने आपकी राय मांगी थी कि आप दिग्गज नेता हैं, सब कुछ आपकी सलाह से होता है, कोई बड़ा फैसला होता है तो आपसे भी लोग पूछते हैं। इस विषय में आप क्या देखते हैं कि प्रियंका जी अगर आती हैं तो कांग्रेस थोड़ी बिखरी दिखाई पड़ रही है, यूपी के अंदर एकजुट हो सकती है? देखिए, एक बात सही है कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड है कि प्रियंका जी अपने राजनीति में आने का दायरा बढ़ाएं। बहुत लोग कहते हैं कि वो राजनीति में आएं। प्रियंका जी राजनीति में हैं एक तरह से, वो अपने भाई की कंस्टिट्यूएंसी, राहुल जी की कंस्टिट्यूएंसी, वो सोनिया जी की कंस्टिट्यूएंसी, अपने मदर की कंस्टिट्यूएंसी में जाती हैं, पॉलिटिकल बात करती हैं, वर्कर्स को साथ जोड़ती हैं और उनसे बहुत ही पॉपुलर हैं इसमें। अब वो अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी को उन्होंने इन दो क्षेत्रों में सीमित रखा हुआ है। अब वो बढ़ाने का फैसला कांग्रेस के वर्कर्स चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मैं गलत नहीं कहूँगा, कांग्रेस के वर्कर्स चाहते हैं कि प्रियंका जी अपने जो काम करने का दायरा है वो बढ़ाएं, लेकिन वो बढ़ाएंगी या नहीं बढ़ाएंगी ये उन पर डिपेंड करता है, सोनिया जी राहुल जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान नज़र नहीं लगावे, बहुत प्रेम है आपस में, बहुत एकता है, किसी मामले में हम लोगों को नहीं लगा
कि अलग अलग राय है किसी की, तो जो राय परिवार फैसला करेगा हम लोग उसके साथ रहें। बिल्कुल, कार्यकर्ता चाहते हैं लेकिन फैसला आलाकमान का होगा, ये नेचुरल उनका होगा। एक तो प्रियंका जी का भी फैसला होना है, जिस व्यक्ति के बारे में आप चाहते हैं वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसने अपना क्या गोल रखा है, उसका लक्ष्य क्या है, वो अपने को कहाँ तक सीमित रखना चाहते हैं, कहाँ तक आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। वो छोटे से ब्रेक का है लेकिन ब्रेक के बाद भी पंजाब और हरियाणा के प्रभारी शकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।